हेलो एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिज्जा पराठा। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने हाफ शिमला मिर्च को बारीक काटा हुआ है, एक टमाटर को बारीक काट रखा है, एक प्याज बारीक बारीक कटी हुई है, चीज स्लाइसेस, कॉर्न को बॉईल करके हाफ कप कॉर्न है, हाफ कप मेयोनीज है, एक चम्मच मिक्स हर्ब है, हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, देसी घी, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और आटा गोंद के रखा है नमक डाल के। नॉर्मल आटा है, ना टाइट ना ढीला। आइए सबसे पहले हम अंदर की स्टफिंग बनाते हैं। इसके लिए मैंने हाफ कटोरी शिमला मिर्च ली है, हाफ कटोरी टमाटर कटे हुए हैं, हाफ कटोरी प्याज कटी हुई, हाफ कटोरी बॉइल्ड कॉर्न है, अब इसमें डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई आधी चम्मच, आधा चम्मच नमक है, क्योंकि मेयोनीज में नमक होता है इसलिए मैंने हाफ चम्मच डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स, हाफ चम्मच ऑर्गेनो और मेयोनीज। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमारी स्टफिंग, ये हमारा अंदर की स्टफिंग तैयार हो गई है। आइए हम पहले पराठा बनाते हैं। मैंने गैस पे तवा रख दिया है, तवा गर्म हो रहा है। आपको मीडियम साइज़ के दो फुलके बनाने हैं, पतले, जैसे नॉर्मल आप घर पे फुलके बनाते हो उस हिसाब से। ये देखिए, फुलके ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा मोटे भी नहीं, कुछ इस तरह के दो सेम साइज़ के फुलके बना के तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे इस तरह से। आपको थोड़ी सी जगह साइड से छोड़ देनी है क्योंकि हमें दूसरी रोटी इसके ऊपर चिपकानी है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज स्लाइस। दूसरी रोटी लगाने के लिए पहले साइड की किनारे में हम इस तरह से पानी लगाएंगे। ये दूसरी रोटी इसके ऊपर रख के इस तरह हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे। अब हम इसके ऊपर पहले से थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि हमारा पराठा चिपके ना। मैंने घी का यूज किया है, आप चाहो तो अमूल बटर भी इस पर लगा सकते हैं।
पर इस तरह से छोड़ दीजिए। आपको स्लो फ्लेम पे सेकना है इसको। ये देखिए हमारा पराठा सिक्के तैयार हो गया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे और इसको सर्व करेंगे। कटर की मदद से इसके चार पीसेस करेंगे। अगर आपको मेरा बनाया हुआ पिज़्ज़ा पराठा पसंद आया हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए और इसको मेयोनीज़ के साथ एंजॉय करें।